सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता, वो चाहे दूर भी हो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कम नहीं होता। दिल में प्यार और होठों पर कड़वे बोल होते हैं। दुख में साथ देने वाली भाई हमेशा अनमोल होते हैं। तोड़े से भी ना टूटे ये ऐसा मन का बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। आज का पंचांग 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी जो 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 8:46 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:19 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार राखी के त्योहार पर भद्रा काल लग रही है, जिसके चलते लोगों में असमंजस्य है कि आखिर में राखी किस समय बांधी जा सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त बुधवार के दिन यानी आज सुबह 10:58 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को है, लेकिन इस दिन भद्रा काल का साया है। अगर पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया हो तो भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल के समापन के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। 30 अगस्त के दिन भद्रा काल रात में 9:02 पर समाप्त होगा। इसके बाद ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त यानी आज रात 9:02 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। तो आप आज रात 9:02 के बाद राखी बांध सकती हैं और 31 अगस्त को यानी कल सुबह 7:05 से पहले सुबह बांधेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह साल 2023 यानी इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सिंह राशि 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार, आपके जवाबों को ढूंढ रहे हैं, शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है। अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। माता के समान कोई स्त्री खुद का विश्लेषण करने वाले चरण में आपकी मदद कर सकती है। आज रिश्तों से जुड़े मामले आपका अधिकतर समय लेंगे। साझेदारी के मुद्दे आज चिंता का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। बिक्री या सौदे के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आप अपने करिश्मे से सबका दिल जीत लेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। बच्चों को लेकर चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है, जिससे आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। किसी शुभ तथा धार्मिक कार्यों में खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। परिवार के किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहे बदलाव की वजह से आपको राहत मिलेगी, साथ में आनंद भी मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ मिलकर कुछ योजनाएं बनाई जा सकती है जो सफल साबित होगी। कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आज कर पाएंगे। कमाई बढ़ सकती है जिससे चिंताएं दूर होगी। करियर के लिए नाराजगी रह सकती है, सकारात्मक रहेंगे तो बेहतर रहेगा। पार्टनर का साथ मिलने से अकेलापन दूर होगा, सिर में भारीपन भी हो सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि न चाहते हुए भी जिम्मेदारियों का बोझ बना रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें, प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में बाधा आ सकती है।
कोई गलती होने पर उसे तुरंत सुधारने की कोशिश करें वरना समस्या बढ़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। रोमांस और यौन शोक आपकी जरूरत है जिससे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा नाना के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। अपने साथी को अपने प्यार का सबूत देना ना भूलें और इसके लिए आपका एक किस्सा आलिंगन ही काफी है। आज आप रिश्तों को सुधारने में अधिक समय व्यतीत करेंगे। अपने साथी से बात करें और उसके साथ कुछ सुकून के पल बिताएं। आपका करिश्मा समर्पण और मेहनत सबका दिल जीत लेगी। रिश्ते में कोई समस्या है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि दोस्त ही है जो आपको पूरी तरह से समझेंगे और आपको सही राय देंगे। बात करते हैं करियर की। अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। सपने पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। इस समय दीर्घकालीन निवेश न करें, इससे हानि होने की संभावना है। आपके प्रिय रिश्ते आज आपके उदार जीवन को रंगीन बनाएंगे। आप अपने रोमांटिक जीवन और साथी के मुद्दों को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। नए अनुबंधों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। चीजों को ट्राई करें और अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उसे सीखें। बात करते हैं सेहत की। आप अपनी दिनचर्या तथा खान पान व्यवस्थित रखें। ऐसा करना आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखेगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिए, सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय। आज आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो पहले गणेश भगवान जी की पूजा करें तो शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।